बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम दोस्तों को हमेशा खुश रखे और आप तमाम दोस्तों की जायज़ हाजात को पूरा करे। आपका भाई वलीद अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर है। यार गिले शिकवे दूर करें, क्योंकि आप दोस्तों का काफ़ी ये जो है वो कमेंट सेक्शन में आपका मैसेज आ रहा था, आप दोस्तों के काफ़ी गिले थे कि वलीद भाई आपने हमसे एक माह पहले जो है वो एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसके अंदर आप लो बजट की कैटेगरी की जो गाड़ियाँ थी वो हमारे साथ शेयर करते थे, जिसमें 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 8 लाख की गाड़ियाँ होती थी। तो आज आपके साथ मैं अगेन उसी सीरीज़ के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज हमारे पास मौजूद है टोयोटा की तरफ से आने वाली टोयोटा विर्ट्ज़, जो कि आपको 1.0 लीटर इंजन के साथ प्रोवाइड की जाती है। इस गाड़ी की डिमांड जो है वो इंतहाई मुनासिब है। इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल, तमाम तर कंडीशन जानने के लिए वीडियो को पकड़ी रखें, वीडियो को कंप्लीट देखें। और उसी के साथ नए आने वाले तमाम दोस्तों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस मुनफरिद चैनल खटक ब्रदर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे इनेबल करें। इससे होगा ये कि हमारे आने वाली यूज्ड कार गाड़ियों के मुतल्लिक अच्छी इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकेंगी। उसी के साथ जिन दोस्तों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वो तमाम दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आईडी आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। आज जो हमारे पास गाड़ी मौजूद है ये टोयोटा की तरफ से टोयोटा विर्ट्ज़ है और 2008 का मॉडल है। ये गाड़ी आपको जो है वो 1000 cc इंजन के साथ प्रोवाइड की जाती है। इस गाड़ी में एक्सटीरियर पे गाड़ी के जो बैक दोनों फेंडर्स हैं उस पे आपको माइनर बोर्ड टचिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा गाड़ी पे इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, किसी किस्म का कोई मेजर माइनर टचअप आपको देखने को नहीं मिलता। इस गाड़ी के अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर पर आपको गाड़ी में ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन देखने को मिल जाती है। और आपको मैं बताता चलूँ, ये 4-स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है। LCD बैक कैमरे के ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। पावर मिरर्स और उसी के साथ आपको सिंपल स्टीयरिंग जो है वो देखने को मिल जाता है। और गाड़ी की सीट्स पे काफ़ी अच्छे कवर चढ़े हुए हैं और लेदर सीट्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। उसी के साथ गाड़ी का डैशबोर्ड माशाल्लाह बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। गाड़ी में आपको AC जो है वो कंपनी की तरफ से वर्किंग कंडीशन में देखने को मिल जाता है। काफ़ी दोस्त जो है वो एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या है कि अक्सर औकात चले जाते हैं और किसी को बताए बगैर और अपने लिए कोई गाड़ी लेने, और उसमें उनको काफ़ी बार ये प्राइजेस के मामले में भी धोखा हो जाता है और कई बार गाड़ी वो जो है वो टचिंग में या मतलब नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं और प्राइस जो है वो अच्छी गाड़ी की दे आते हैं। तो एहतियात किया करें, जब भी कोई गाड़ी ख़रीदने जाएँ अपने साथ कोई एक्सपर्ट बंदा ले कर जाएँ। हम आपको तमाम तर चैनल्स पर जो गाड़ियाँ दिखाते हैं इसमें हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। आपने जो गाड़ी लेनी है लें, नहीं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अपनी ज़िम्मेदारी पर ख़रीदें, क्योंकि हमने हर अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये मैंशन करके रखा हुआ है, क्योंकि किसी भी नफे या नुकसान की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और इस गाड़ी के आपको जो टायर्स हैं वो आपको 70% कंडीशन में गाड़ी के योकोहामा के ब्रांडेड कंपनी के गाड़ी में आपको टायर्स देखने को मिल जाते हैं। और इस गाड़ी में आपको 14 इंच के अलॉय व्हील्स जो हैं वो इंस्टॉल मिलते हैं। उसी के साथ इस गाड़ी में आपको काफी अच्छा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है और गाड़ी में आपको एक्स्ट्रा टायर और स्टेपनी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। और गाड़ी का जो एक्स्ट्रा टायर है वो भी आपको तकरीबन 60-75% कंडीशन में देखने को मिल जाता है। अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इस गाड़ी का एक भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये NCB गाड़ी है। और काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट होती है कि वलीद भाई हमारे साथ NCB गाड़ी शेयर किया करें, तो मैं तकरीबन वीक में एक गाड़ी आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा, ज़्यादा नहीं। तो इस गाड़ी की जो ऑफिशियली डिमांड की गई है वो 3 लाख रुपये डिमांड की गई है और ओनर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।